कभी नहीं किए थे, लेकिन हमारे हायर सेकेंडरी स्कूल के एक आवेदन की बात करी, हमें ऐसी जानकारी मिली तो हमारे कॉल अटेंड करने को तैयार नहीं। क्या ये राजनीति, ये लोकतंत्र है? हमने लोकतंत्र पढ़ा है, हमने लोकतंत्र को पढ़ के देखा है, हमने बच्चों को गढ़ा है लोकतंत्र में। लोकतंत्र क्या होता है कि जनता से जनप्रतिनिधि जीत के चला जाए और उसके बाद में हम उसके पीछे चक्कर काटे, और हम मानते हैं कि लोकतंत्र के नाते हम उनकी पूजा करने को तैयार है, वो हमारा देवता है क्योंकि इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कहां किस चीज की डिमांड, हमारी गैर मांग बिल्कुल नहीं। हमारे यहाँ 2008 से स्कूल खुला है, हमारे बच्चे कैसे रह रहे हैं, स्कूल में कैसे पढ़ते हैं वो देखिए चल के। कि आपका यह दायित्व नहीं है कि आज जैसे आप यहां पर आए, ऐसे साल में एक बार महत्वपूर्ण नहीं, पूरा क्षेत्र आपका जितना है, आपके सिर्फ हाथ हिलाने के लोग मोहताज थे कि सिर्फ आप हाथ हिला दे कि हम महतपुर आए हैं और यहां से माफी निकल गए। महतपुर में भाई साहब इतना कहना चाहता हूं कि महतपुर की इस धरती पर यहां चपरासी से लेकर कलेक्टर तक यहां पैदा हो चुके हैं, और यहां ये अनपढ़ गवार गांव नहीं है, परंतु हम इतने सहज और सहनशील है कि हम वो बात करना नहीं चाहते। नहीं तो हम तो कहे तो कल चुनाव बहिष्कार कर दे, नहीं कर दे तो अपनी बात नहीं, हमको कोई डर नहीं, आप हमें गोली से मरवा दोगे कोई दिक्कत नहीं, हम लोकतंत्र में जीने वाले लोग हैं। हमारे हम जब हमारे यहां से बयार चलती है कि महतपुर 80% एक तरफ है तो आगे के चार गांव उस बात को फॉलो करते हैं कि नहीं ये गांव भी उस लायक है तो हम भी उसके साथ जुड़ेंगे। लेकिन हमें दुख है इस बात का, कौन सी बात का हम कहे, हमारा एसिस्टेंट हमने बताया आपको, हम तो कोई मांग करते ही नहीं, नहीं चाहिए हमें रोड, हम गड्ढे में रहने वाले किसान लोग हैं, लेकिन हमें जिस चीज की आवश्यकता है हमारे आदरणीय सर जी ने भगवान राम के छाया चित्र पे हाथ रख के बोला था, मां साहब जो काम आप मांग रहे हैं ये मैं करके दूंगा। मैं वही बात दोहराना चाहता हूं और मांग नहीं कर रहा हूं, आज मांग हमने समाप्त कर दी। 30 सालों से जब से मुझे समझ है, अगर एक भी सांसद निधि का रुपया मेरे गांव में आया होगा तो किसी से भी आप पंचायत में उठा के देख लीजिए, क्या इसीलिए हम वोट देते हैं 80% 90%? हमारे गांव के लोग इसीलिए वोट देते हैं, आंख मीच करके वोट देते हैं। तो हम यही चाहते हैं, हमारे बीच में हमारे विधायक महोदय भी बैठे, हमने इनसे भी कहा था हमको छोटे छोटे टुकड़ों में हमको सरपंच पालने वाला काम मत दीजिए कि वो BWM दे दो और उसमें सरपंच बचा ले आधे पैसे और गिट्टी डलवा दे, हमको वो काम नहीं चाहिए, हमें पुख्ता काम चाहिए जिससे हमारे बाल बच्चों को रोजी मिले रोजगार मिले, हम वो काम चाहते हैं। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए इतना जरूर कहना चाहूंगा कि वीके जी आप मेरे भाई हो, मेरे से छोटे जरूर है, मेरे से छोटे आप, मैं मित्र तो नहीं कह सकता क्योंकि आप बहुत बड़े ऊंचे पदवी पे है, मैं भाई के रूप में छोटे भाई के जरूर रूप में आपसे निवेदन करना चाहूंगा, विनती करना चाहूंगा कि आपसे निवेदन है, सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप और मैं भाई इसलिए हूं कि मैं भी गायत्री परिवार का आदमी हूं और आप भी गायत्री परिवार के आदमी हो, हम एक ही गुरु के चेले हैं दोनों, लेकिन आपको भगवान ने अच्छी ऊंचाई दी, आपकी ऊंचाई बरकरार रहे। मेरे गांव के लोग अभी यहां तक विचार करके बैठे हुए हैं कि हम बहिष्कार नहीं करेंगे, लेकिन हम जितने भाजपा के लोग हैं हम नोटा के बटन दबाएंगे, लेकिन हम उसके लिए बैठेंगे बात करेंगे। लेकिन हम इतना जरूर निवेदन करना चाहेंगे कि आपको इतने बड़े पद से परमात्मा ने नवाजा है और परमात्मा के बाद ये जनता जनार्दन दूसरी परमात्मा है जिसके वोट दबाने से बटन दबाने से आदमी जो है उस सिंहासन पर बैठा है उसको आप बनाए रखेंगे, ऐसा हम आपसे विनम्र अपील करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि मेरे गांव में नहीं, आपका जितना क्षेत्र जहां जिस लायक हो, नहीं पैसे की कोई बात नहीं, आपके पास लिमिटेड पैसा आता है, 3000 गांव में आप नहीं दे सकते, लेकिन लोगों से जो आपको लोगों को जो आपसे उम्मीद है कि एक बार साल में 2 साल में 6 महीने में एक क्षेत्र का निकाल के हाथ सिर्फ हाथ हिला दे कि वीके सर आ गए है भाई हमारे क्षेत्र में, तो हमारी जनता जनार्दन खुश हो जाएगी। बस इतना निवेदन कहने के बाद मैं अपनी बात को विराम देता हूं, धन्यवाद, जय श्री राम, जय श्री राम।